अनंत प्रेम आसन से निकाली गई भक्ति कलश यात्रा जगह जगह हुआ कलश यात्रा का स्वागत। रुद्रपुर शहर की श्री अनंत प्रेम आश्रम में ही श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा का शुभारंभ होने से पहले महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। भक्त हरि राम संकीर्तन करते हुए बैंड बाजे की धुन पर नृत्य करते हुए भक्ति भाव में नाच रहे थे। इस कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। कलश यात्रा से अनंत प्रेम आश्रम से प्रारंभ होकर अग्रवाल धर्मशाला मंदिर भगत सिंह चौक आदर्श कॉलोनी होते हुए उन्नत श्री अनंत प्रेम आश्रम पहुंची, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना कर श्रीमद भागवत कथा का ग्रंथ स्वरूप विराजमान किया। कथावाचक आचार्य मिर्जा शरणार्थी ने कलश यात्रा का महत्व बताते हुए कहा, कलश यात्रा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। श्रीमद भागवत कथा का आरम्भ करने से पहले कलश यात्रा निकाली जाती है। कलश में सारे देवता विराजमान होते हैं। कलश को महिलाओं के सिर पर रखकर भ्रमण करने से धरा सिद्ध होती है। जो कलश को धारण करता है उसकी आत्मा भी पवित्र हो जाती है, इसलिए कलश यात्रा निकाली जाती है। श्री अनंत प्रेम आश्रम में 23 जून को 3 बजे से श्रीमद भागवत कथा का शुभारंभ किया जाएगा और समापन शाम 6 बजे होगा। ये श्रीमद भागवत कथा 23 जून से प्रारंभ होकर 29 जून तक होगी। जहाँ आज निकाली गई कलश यात्रा में कथाव्यास आचार्य निर्जा शरणार्थी संत प्रेम निष्ठानंद बाई जी पंडित लौकुश शास्त्री आदि लोगों की अहम भूमिका है।